हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। ये जो नीचे आपको डाटा दे रखा है ना, पॉलिटिकल पार्टी और सीट्स वन, ये किसी स्टेट असेंबली इलेक्शंस में जो डाटा आया है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने जो सीटें जीती हैं उसका डाटा आया है। जैसे पार्टी ए ने 75 सीट्स जीती हैं, पार्टी बी ने 55, ऐसे ही सी डी ई एफ ने इतनी सारी सीट्स से जीती हैं। फर्स्ट में पूछा है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। इस पोलिंग रिजल्ट को रिप्रेजेंट आप एक बार ग्राफ पे कीजिए। चलिए इसका बार ग्राफ बना देते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाले एक्सिस के अंदर मैं लूंगा पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का मैं नाम लिखूंगा, और ये वाई एक्सिस के ऊपर इनकी सीट्स लिखूंगा, सीट्स वन। अब यहाँ पे प्रॉपर मुझे एक स्केल लेना पड़ेगा, तो मैं नंबर देख रहा हूँ कि यहाँ पे 100 तक भी नहीं है, बहुत कम नंबर है। तो एक ब्लॉक को मैं 10 के बराबर ले लूँगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक ले लूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। अब इसमें एंट्री करना शुरू करते हैं, हम बार बनाना शुरू करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ए, ए के लिए जो बार बनेगा वो 75 तक जाएगा ऊपर, तो एक बॉक्स यहाँ से आपको खाली छोड़ना है। और यहां पे इसका बार बनेगा, तो मैं इसका बेस तैयार कर लेता हूं यहां पे। अभी यहां मुझे इस पे 75 देखना है, ये मेरी पार्टी ए है, मैं ए लिख लेता हूं यहां। इसकी वैल्यू मुझे 75 तक चढ़ानी है, तो यहां 75 हो गया, यहां पे 80 हो गया। 70 से ऊपर जो पांच छोटे डिवीजन है ये 5 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि पूरा जो मैंने एक बॉक्स लिया है ये 10 के बराबर लिया है, और इसमें ये जो छोटा डिवीजन है ना, इतनी जो हाइट होगी ये 1 के बराबर होगी। तो यहां 70 हो गया, छोटे जो डिवीजन है 5, वो 75 हो गए, तो यहां पे हो गया 75। तो पहले तो मैं ऐसे ही से मार्क कर लूंगा, उसके बाद इसका बार बना दूंगा। पार्टी बी पे चलते हैं, तो एक कॉलम यहां पे छोड़कर यहां पे बी के लिए बार बनेगा। बी की वैल्यू है 55, तो ऊपर चलते हैं ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, और 50 के ऊपर यहाँ ये जो 5 छोटे डिवीजन है, ये हल्की सी बारीक लाइन भी दिखाई देती है आपको बॉक्स के बीच में, ये 5 को इसमें शो करती है, तो यहाँ पे 55 हो गया। इसे ज्वाइन करके ये इसका बार बन गया। पार्टी सी, एक कॉलम यहाँ छोड़ेंगे और फिर यहाँ पे सी पार्टी के लिए बार बनाएंगे, ये है 37। तो 10, 20, 30 और बीच में इसका जो हाफ है, ये हल्की लाइन जो होती है, ये 5 इसका हाफ दिखाती है, तो यहाँ 35 हो गया, और ऊपर छोटे दो डिवीज़न चलने से 37 हो गया, तो यहाँ पर हो गया ये 37। इसे जोड़कर ये मैंने इसका बार बना दिया। पार्टी डी, डी का बनेगा बार यहाँ से एक छोड़कर। बार ग्राफ की एक अलग बात होती है कि ये बीच में स्पेस इसके अंदर छूटता जाता है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं ना हम, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बेस पे बनेंगी, इनके बीच में गैप भी बराबर रहता है। तो डी के लिए 29 है, तो 10, 20 और यहाँ 30 हो गया, तो 30 से एक नीचे 29 होगा, तो यहाँ आएगा 29। ये डी के लिए हो गया। पार्टी ई, एक कॉलम छोड़ के यहाँ बनेगा, ये मैंने इसका बेस बना लिया, इसकी वैल्यू है 10, तो इसे 10 तक चढ़ा देंगे, तो यहाँ पे ये 10 है। ये इसका बार बन गया। पार्टी एफ, 37 है इसकी वैल्यू, तो एक कॉलम छोड़कर यहाँ पे एफ पार्टी को दिखाया जाएगा, और ये 37 वैल्यू है, तो यहाँ 10 हुआ, ये 20 हुआ, ये 30 हुआ, और ये बीच में जो हाफ है बॉक्स का ये 35 हुआ, और इससे दो छोटे यूनिट ऊपर 36, 37 हो गया ऐसे। ये पार्टी एफ का बार हो गया। तो इस रिजल्ट को मैंने बार ग्राफ के ऊपर तो दिखा दिया, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। सेकंड में पूछा है विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। तो बार ग्राफ में जो सबसे हाइट जिसकी ज्यादा है बार की, वही पार्टी सबसे ज्यादा
मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स को जी थ्री है, तो वो है ए। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का, पार्टी ए वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।